आई हैं। पहली नारी सुरसा, दूसरी सुर, तीसरी श्रृंगिका, और तीनों में और तीसरी है, दूसरी है सर श्रृंगिका, तीसरी लंकनी, पर तीनों अलग अलग है। कोई सतोगुण वाली, कोई तमोगुण वाली, पर कोई रजोगुण वाली। बहुत बढ़िया। पर तीनों के अलग स्थान दिया है आपने। एक नवचर में है, परे परे थलचर में है, परे परे जलचर में है। जब आपने तीन नारी तीन पुरुष तीन गुणों वाले बताए, मैंने शिव हनुमान में सतोगुण रजोगुण तमोगुण तथा जलचर नवचर और फलचर तीनों बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। आप तीन नारियां ले रहे हैं, एक को ले रहा हूँ, बस एक को। एक में रजोगुण भी है, तमोगुण भी है, बिल्कुल है, सतोगुण। क्या बात है, ये बालक बहुत विद्वान है। और उस एक में नवचर में भी है, वो थलचर में भी है और जलचर में भी। बिल्कुल। क्या बात है बेटा, क्या बात है बेटा, क्या बात है। सुनिएगा जवाब, जवाब ओहो देखो बच्चा बहुत से। आप तीनों बोले रहे हैं, मैं सिर्फ एक को ले रहा हूँ और एक में सब कुछ पाया जा रहा है। क्या बात है, क्या बात है। कौन सुनेगा, बहुत बढ़िया। राम सेवक और वीरो अंगूठी लेने के लिए गए। क्या बात है बेटा, क्या बात। सागर पार करके जब अंगूठी सागर में गिर गई तो
वही हनुमान जलचर में पहुंच जाते हैं, वही हनुमान। दूसरी बात, जब आकाश मार्ग से लंका के लिए गए हनुमान, जल। तीसरी बात, जब धरती पर चले थलचर। क्या बात है बेटा, क्या बात है, बहुत सुंदर। और गत में कपी कपी मान ये गति चलने में सबसे बड़े गतिमान है। गत में कपी अब देखे जल चल नभिचर फलचर। अब सुनेंगे सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इस एक में ही पाए जा रहे हैं। पसीने को मछली पी गई हनुमान के पसीने को, पुत्र हो गया एक मकर ध्वज। रावण के अक्षय को मारा रे कर दिया। राम नाम को पाया, जब राम नाम का जा दिया तभी शत्रु को प्राप्त हो गया। क्या बात है बेटा, क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। और पूछ पाला सख्त में कभी सख्ती मान है। ये मेरी ओर से प्रयास। हाँ हाँ बहुत।